दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे खाटू श्याम जी, जहाँ की श्याम बाबा का दरबार है। वहाँ जाकर हम आपको श्याम बाबा के दरबार के दर्शन तो कराएंगे ही, साथ में कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो कि वहाँ बिना लालच निस्वार्थ कुछ अपनी सेवाएं देते हैं। उनको हम वॉलेंटियर भी कह सकते हैं। वो किस प्रकार सेवाएँ करते हैं, क्या सेवा करते हैं, उन क्या तरीका है उनका, वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे और उनसे मिलवाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों खाटू श्याम जी, श्याम बाबा के दरबार में। जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की, बोलो हरे के सहारे की, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो शीश के दानी की, बोलो श्याम प्यारे की। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी जयकारों की गूंज के साथ, खाटू श्याम बाबा की जयकारों की गूंज के साथ ये सफर शुरू हुआ और हम चल पड़े हैं खाटू श्याम जी की ओर। जय बाबा की। होटल सुख सागर बहुत अच्छा सुंदर होटल है। यहाँ हम नाश्ते पानी के लिए रुके हैं। इकट्ठी एक जगह ही सारी टेबलें लगा दी गई हैं, सभी इकट्ठा बैठकर खाना खा रहे हैं। यहाँ सब लगभग अपने घर से खाना बना के लाए हैं। ऐसे एक जगह बैठकर इकट्ठा खाना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खाना है, सभी इंजॉय कर रहे हैं। सभी ने खाना खा लिया है, खाना बड़ा टेस्टी था और फिर से सफर की शुरुआत शुरू कर दी है खाटू श्याम जी की तरफ। शाम के 6 बजे हैं, हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। ये दोस्तों वो धर्मशाला है जहां हम रुके हुए हैं, 2 तारीख वालों की धर्मशाला, बहुत ही अच्छी धर्मशाला है। आगे अंदर दिखाते हैं हम कि ये बहुत बड़ा हॉल है, ये बुक किया हुआ है। लगभग 40 से 50 आदमी इसमें आराम से सो सकते हैं। ये नीचे बेड लगे हुए हैं और ये फुल्ली AC है, बहुत ही साफ़ सुथरा हॉल है। ये इसी धर्मशाला का हॉल है, बहुत ही सुंदर साफ सुथरा। शाम को हम जल्दी पहुंच गए थे टाइम पे, इसलिए सभी ने फैसला किया कि भी क्यों ना हम मंदिर बाबा के दर्शन कराएं। यहाँ बहुत बड़ा एक टब रखा हुआ है, जो लोग प्रसाद चढ़ाने, भोग चढ़ाने आए हैं, उनका प्रसाद लेकर कुछ प्रसाद इस टब में रख दिया जाता है और उस टब में से कुछ प्रसाद इनके डब्बों में रख दिया जाता है। जो प्रसाद है उनमें मिला दिया जाता है ताकि ये घर ले जा सके। आगे बहुत भीड़ होती है, हर कोई नहीं भोग लगा पाता वहाँ, इसलिए ये काम यहीं कर दिया जाता है। दोस्तों दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए थे, अब भूख लगने लगी थी तो सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। यहाँ एक थाली का रेट 100 रुपये है और आप उसमें भरपेट खाना खा सकते हैं। AC हॉल है ये और बहुत ही अच्छा खाना है, खाना आपको भी दिखाएंगे क्या खाना है। तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दिया गया है, आप देख सकते हैं। थाली है, इसमें 2 सब्जियां हैं, एक आलू और शिमला मिर्च की और एक सोयाबीन की सब्जी है और दाल है, चपाती है और सलाद है, नींबू मिर्च और खीरा। बहुत अच्छी थाली है, आप भरपेट खा सकते हैं, जितना मर्जी ले सकते हैं, कितनी बार भी दाल लो, कितनी बार भी सब्जी लो, कितनी बार भी रोटी लो, आप पेट भर के खा सकते हैं 100 रुपये में। और बहुत ही सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और रोटी के साथ राइस भी ले सकते हैं आप। दोस्तों खाना हो चुका है, लगभग सभी लोग हॉल में आ चुके हैं।
ये वो लोग हैं जो यहाँ सेवा करनी है, जिन्होंने जो वॉलेंटियर हैं ये सभी आ गए हैं। लगभग 40 से 50 आदमी हैं जिनका ये ग्रुप है, पूरी टीम है। ये अब इनको सुबह 3 बजे का टाइम दिया है, 3 बजे तक नहा धो के तैयार होना है इन्होंने, और अब ये सोने की तैयारी कर रहे हैं। 2:30 बज चुके हैं और आज एकादशी है, 11 बोलते हैं। आज के दिन बहुत भीड़ लगने वाली, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। कुछ लोग तो नहा भी लिए हैं, कुछ लोग अभी बाथरूम में घुसे हुए हैं, लाइन लगी हुई है, नहाने की तैयारी है, सबको जाना है, सबकी ड्यूटी लगी हुई है। ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, इनका ड्रेस कोड है, सभी ने इसी तरह की ड्रेस पहननी है। जो भी परमानेंट है, स्थायी रूप से जो सेवा दे रहे हैं, सबको इस तरह की ड्रेस पहननी है। ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं कार्ड लिए हाथ में, ये इस टीम के लीडर हैं, इनका नाम राहुल जी है। राहुल जी बड़े अच्छे लीडर हैं, इन्होंने सबको अब ये जो नहा धो के आ रहे हैं इनको कार्ड वितरित कर रहे हैं, इनको ड्रेस दे दी गई है पहले ही, सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं और इसके बाद ये लोग सब चलेंगे सेवा के लिए, सब तैयार हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यहाँ सभी लोग एक जगह आकर इकट्ठा हो गए हैं, हमारे जो प्रधान जी हैं वो गए हुए हैं, यहाँ से ड्यूटियाँ बंटती हैं कि किसको, क्योंकि और भी बहुत सारी टीमें हैं, किसको कहाँ ड्यूटी मिलनी है, मंदिर के अंदर की ड्यूटी है, बाहर की, सब यहीं पता लगेगा। और उसके बाद ये सभी लोग यहाँ से इकट्ठा होकर मंदिर की तरफ चलेंगे। प्रधान जी ने मुझे भी सेवा का मौका देते हुए अस्थाई रूप से अपनी टीम में ले लिया है और मुझे एक बैंड दिया है जो हाथ पे बांधा हुआ है मैंने उसको, और वो तो कार्ड दिए हैं जो स्थाई रूप से हैं, परमानेंट आते हैं उनको कार्ड दिए गए हैं, और जो नए कोई लोग आता है तो उनको बैंड दे दिए जाते हैं ताकि वो कोई उनको ना रोके और अंदर जाने दे। मंदिर में कार्ड और बैंड देखकर हमारी एंट्री हो गई है और आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सेवा का मौका मिला है श्याम बाबा के दरबार पे, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी इस समय लगभग 3:30-4 का टाइम है और मंदिर के कपाट अभी बंद हैं और हम लोगों को अंदर आने दिया है। यहाँ पर प्रधान जी मीटिंग ले रहे हैं किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है, क्योंकि आज खुशी का ठिकाना नहीं है, मंदिर में अंदर की ड्यूटी हमें मिली है, हमारी पूरी टीम को मंदिर के अंदर का काम संभालना है, भीड़ भाड़ संभालनी है, और भी बहुत सारी टीमें हैं उनके बाहर की मिली है, तो लोग बहुत खुश हैं भाई। आज बोर्ड में दिख रहा है चलो बाद पूरा मंदिर मिला हो सब, आप बिल्कुल तरीके से सब मिल के मेहनत करें, बाकी बाहर रहेंगे वो चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं जो 3 ही फिक्स हो गए हैं या 6 फिक्स हो गए हैं, चेंज करते रहो जो थक जाए अपना सारी बात सुन आपकी भाई। प्रधान जी ने बहुत अच्छी तरीके से काम समझा दिया है, किसको कहाँ क्या काम करना है, कितने लोग कहाँ लगेंगे, किसकी कहाँ ड्यूटी है, अच्छी तरीके से समझा दिया है। और वैसे तो लोग अपनी तरफ से कोई कभी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी प्रधान जी का कहना है कि किसी तरह से पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, जिस काम के लिए हमें लगाया गया है हम वो अच्छी तरीके से करें। मेरी ड्यूटी एग्जिट पे लगा दी गई है, हम बिल्कुल मंदिर के अंदर हैं, आरती चल रही है और ये सभी हमारी टीम है, काम करने के लिए तैयार हैं, कहाँ कहाँ ड्यूटी लगी है इसके लिए पूरी तैयारी है, और जैसी आरती ख़त्म होती है हम अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये सभी सेवादार हैं, ये दूसरी टीम के सेवादार हैं, ऐसी बहुत सी टीमें लगी हुई हैं, सबके ड्रेस कोड अलग अलग हैं ताकि अपनी अपनी टीम के मेंबरों को पहचाना जा सके, ये बहुत ज़रूरी है। Oh, God.
सेवा का ये काम बहुत ही नेक काम है। मैं श्याम बाबा से प्रार्थना करूँगा, हे बाबा इनको इनके परिवार को हमेशा खुश रखे, इनकी झोलियाँ खुशी से भर दे, ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, भगवान इनको हमेशा खुश रखे। सभी सेवादार अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे, सभी अपना काम बड़ी निष्ठा मेहनत और ईमानदारी से कर रहे थे, पर मेरा मन बहुत उदास था। मेरी भी ड्यूटी यहीं बाहर एग्जिट पर लगी थी। फिर प्रधान जी ने, जो कि हमारी इस टीम के प्रधान थे, उन्होंने पूछा कि कैसा लग रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। प्रधान जी ने कहा चल कुछ देर के लिए तेरी ड्यूटी बाबा के दरबार में लगाता हूँ, वहाँ बाबा के दर्शन भी होते रहेंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मन ही मन मैं सोचने लगा कि जिस बाबा की एक झलक के लिए लोग पता नहीं कहां कहां से कितनी कितनी दूर से आते हैं, आज उस बाबा के दरबार में मैं अपनी सेवा दूंगा। यह सोचकर खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे ड्यूटी दी गई थी कि जो लोग दर्शन करने दरबार में आते हैं वो ज़्यादा देर बाबा के सामने न खड़े हों और उन्हें आगे निकाल दिया जाए ताकि और लोग भी दर्शन कर सकें। थोड़ी देर मुझे बहुत अच्छा लगा, श्याम बाबा मेरे सामने थे और मैं लोगों की भीड़ में आगे की तरफ धकेल रहा था, पर जैसे जैसे थोड़ा समय बीता मेरा मन दुखी होता चला गया। मैंने बाबा से कहा, बाबा ये तूने मुझे क्या काम दे दिया, तेरे दर्शन करने आए लोगों को, तेरे भक्तों को मुझे धक्का देना पड़ रहा है। मैंने बाबा से कहा, नहीं बाबा नहीं, ये काम मुझसे और नहीं होगा। शुरू में जिस काम के लिए मैं इतना खुश हुआ था और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगा था, अब वही काम मुझे पाप लगने लगा था। बाबा के भक्तों को धक्के मारना मेरी नज़र में पाप से कम नहीं था, क्योंकि आज एकादशी थी और मंदिर में बहुत भीड़ थी, लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आए हुए थे। कई घंटे लाइन में खड़े होने के बाद उनका जैसे ही नंबर आता था हम लोग उनको खींच कर या धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल देते थे। धक्का इतनी तेज़ भी होता था कि लोग गिर भी जाते थे। दर्शन करने वालों में बूढ़े बच्चे महिलाएं सभी शामिल थे। महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा था, उनको भी खींचकर बाहर धकेल दिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दर्शन करने नहीं आए बल्कि कोई अपराधी है और उन्हें कोई पाप किया हुआ है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद कई लोग लड़ भी रहे थे, उनका कहना था कि वो लोग इतनी दूर से अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए आए हैं, कम से कम एक झलक तो बाबा की देख लेने दो, पर उनकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होने वाली थी। मैंने देखा कि कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें ये भी नहीं पता था कि मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन दाईं तरफ होंगे या बाईं तरफ होंगे। उन्हें इस तरह से मंदिर से धक्का दिया गया कि वो कब मंदिर में घुसे और कब बाहर निकल गए पता ही नहीं चला। यह सब देख कर मैं अपनी जगह किसी और को खड़ा करके बाहर आ गया। मैंने सोचा आखिर क्यों इनको धक्का दिया जा रहा है, अगर ऐसे ही धक्का मुक्की में लोगों को दर्शन कराने थे तो हम सेवादारों की क्या ज़रूरत थी, हमने इनकी क्या सेवा की। एंट्री से लेकर एग्जिट तक सिर्फ धक्का ही तो दिया है, पर कुछ हद तक मेरा सोचना गलत भी था, क्योंकि सेवादार ना होते तो ये हालात और भी बिगड़ सकते थे, और भी ख़राब हो सकते थे। सेवादारों ने बहुत मेहनत करके इस भीड़ को नियंत्रित किया हुआ था, लेकिन वो भी क्या करे, भीड़ भी लाखों में होती है, इन सब के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो पता नहीं, पर मैं इसके लिए दर्शन करने आए लोगों को ही जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है उनको भी उसी ही दिन दर्शन करने होते हैं, वो ऐसा करके भीड़ को और भी ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। सभी को पता है कि 11 वाले दिन बहुत भीड़ होती है, शनिवार रविवार को बहुत भीड़ होती है, इन दिनों उनको अवॉइड करना चाहिए। सभी तो नहीं सोचते, पर किसी को तो सोचना ही पड़ेगा, तभी दर्शन अच्छे से होंगे। कई गायकार हैं जो बाबा के भजन गाते हैं, मैं उनको भी दोषी मानता हूँ, वो अपने भजनों में 11 के दर्शनों पर जोर देते हैं कि हर 11 को दर्शन करने से बाबा काम बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बाबा के लिए सभी दिन बराबर हैं, आप उसको किसी भी पल किसी भी दिन याद कर सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं। पर लोग सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर ये अपने भजनों में कहें कि बाबा के लिए सभी दिन बराबर हैं और बाबा तो आपके प्रेम और भाव के भूखे हैं, उसके लिए सभी दिन बराबर है, तो शायद भीड़ में कुछ कमी आ सके।
दोस्तों बड़ा दुख है मुझे इस यह कहते हुए कि आज सुबह लगभग 5 बजे 3 महिलाएं जो कि श्याम बाबा के दर्शन करने आई थी वो भीड़ की वजह से धक्का मुक्की में मर गईं। इसमें किसका कसूर है किसका नहीं हम ये बात नहीं करेंगे। मेरा लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 11 वाले दिन बहुत भीड़ होती है, इस दिन कम से कम लोग खाटू आएँ। आजकल श्याम बाबा के बहुत सारे मंदिर और भी बन गए हैं, वहाँ बाबा के दर्शन करें या अपने घर में ही बाबा की फ़ोटो के दर्शन कर लें और अपने परिवार को खतरे में ना डालें। कम से कम बच्चों और बूढ़े माँ बापों को तो कम से कम ना लाएं। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, आगे फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।